ओके थैंक यू. मैं स्पेशली पटना से यहाँ आई ये ऑडिशन देने, और जब मैं यहाँ आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब बहुत अच्छा ऑडिशन हुआ है. और मेरे को लगता है कि मेरे साइड लाइक संथाल वगैरह वगैरह से भी और भी लड़कियाँ आनी चाहिए. बस आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो यहाँ से जाने के बाद? मैं पटना मतलब पटना जाके भी और अपने गोड्डा पे जाके मैं लड़कियों को बोलूंगी कि प्लीज आप लोग आओ, ऑडिशन दो और रॉक करो. बहुत अच्छा होता है. वहाँ से क्या सीखने मिला आप लोगों? मैं बेसिकली मेरे सारे फ्रेंड नॉन चाइल्ड्स हैं, और जब मैंने उन लोगों को बोला कि सी आई एम गोइंग टू अटेंड ऑडिशन फॉर बहा मैचिंग, तो वो लोग एकदम पूरे खुश थे कि हाँ चलो क्या है क्या है. अब मैं जो मैंने यहाँ पे देखा, और अब मैं जाके अपने सारे फ्रेंड्स को बताऊँ कि सी देखो मैंने ऐसे ऐसे अटेंड किया और बहुत मजेदार है, तुम लोग भी पार्टिसिपेट करो. I feel too good by coming here, and I experienced a new thing. ठीक है चलो, thank you. Hello, यहाँ के बहुत अच्छा अनुभव मिला, नया चीज सीखने मिला, and मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ संथाल्स को, अब आइए यहाँ और अपना टैलेंट दिखाइए. Thank you. मीनू आप एक चीज छोड़ गए थे, कुछ हमसे रिक्वेस्ट किए थे फेसबुक में, वो चीज प्लीज सबको थोड़ा बताइए, तो क्या हमसे आपने कहा था? एक्चुअली जब मैं फॉर्म देख रही थी ऑडिशन फॉर्म, तो लाइक मैंने कभी ऐसे नहीं देखा था कोई प्लेटफॉर्म जो संथाल्स के लिए स्पेशली हो. आई वाज लाइक वेरी मोटिवेटेड कि मुझे करना है ये चीज, एंड आई टॉक टू रोमन सर कि बिकॉज उसका एज लिमिट था सर लाइक 18 to 28 years, एंड आई क्रॉस दैट एज लिमिट, बट आई रिक्वेस्टेड हिम कि प्लीज लेट मी एटलीस्ट, मैं ये एक्सपीरियंस लेना चाहती थी, ये पार्टिसिपेशन लेना चाहती थी, नॉट टू विन, एटलीस्ट फॉर दिस एक्सपीरियंस. एंड थैंक यू सो मच सर, यू लेट मी पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला, और हम चाहते हैं कि हमारे और एसटी लड़के लोग आए, क्योंकि यहाँ हम लड़के लोग बहुत कम थे. लगता है लड़कों से ज्यादा आगे लड़के निकल रही है. सर एक्चुअली मुझे आपसे मिलना था, बस इसलिए मैं आया, ये तो एक बहाना था, क्योंकि मैं आपके पास आ नहीं पा रहा था ना, बहुत दिन से आपको बोला था आऊंगा, बट ये बहाना था, और फिर अभी आता वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया था. अभी कैसा है? फिर भी मैं चलो फाइन. सबको मेरी तरफ से जोहार, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके. आप सब बोले कि संथाल और अप्रिशिएट होगा, मैं सोचती हूँ कि संथाल हो चाहे हो, बट मैं चाहती हूँ कि झारखंड का नाम हो. झारखंड आगे बढ़े, मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई सा भी रिलीजन आए, बस ये है कि झारखंड कभी पीछे नहीं रह सकते. झारखंड यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और हम भी यही चाहते हैं कि सब कोई ट्रैवल आगे बढ़े. ओके जो आज के आलिया ने तो कोथो कंडीशन का है कि ना आदि भागे एक्सपीरियंस कोई ना कि किशन ओंगन प्लेटफॉर्म पे बनी नहीं के ना हमारे बुजुर्ग होगा कौन जो ये खाना भी आलिया तो उसमें कौन था वेस्ट बंगाल का होगा तो झारखंड. झारखंड तो चेक को भी चेक किया हमारे पास तो आलिया को तो बी नोडे को चेक को भी चेक करते कुछ चला करना नोडे को ना जेरो को ड्रेस अप जेरो को मेरे बाकी कंटेस्टेंट जिन्हें है ना कुआ जिन्हें क्या लगता और मैंने मतलब भागे बटन प्लेटफॉर्म जहाँ रे उनको आपके ऑडिशन आता हुए अपने बाहर मैगज़ीन लगी थे और मतलब लहा करना आप शांतर समय से नॉन का मैगज़ीन को तो अपना एडिट पारिस लेकर जेरो को उनको मैगज़ीन में ना तो कौन सा महाबेटा जी मदद करना तो आई एम भागे लिख बुझ रहा. थैंक यू. नेक्स्ट नेक्स्ट